मैं सत्यप्रकाश बघेल प्रधान ग्राम पंचायत सुचैता ब्लॉक भुजपुरी से सभी देशवासियों और आगरा वासियों को और ग्राम पंचायत वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह त्यौहार आपका मंगल हो, ये मेरा प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद। आगरा के यमुना विहार कमला नगर में आरडी कन्या इंटर कॉलेज के बच्चों द्वारा विद्यालय में शिल्पकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विद्यालय के चेयरमैन प्रवीण शास्त्री ने बच्चों द्वारा सजाई गई स्टॉल्स को देखा और बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर कॉलेज की बच्चियों ने अपने अपने प्रोजेक्ट की जानकारी दी। मेरा नाम चंदा है, आरडी गर्ल्स इंटर कॉलेज। ये फ्यूचर एम्बुलेंस है। ये इसमें जैसे कि ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है, तो ये आराम से गाड़ियों के ऊपर से जा सकती है। ये हमने थर्माकोल से बनाया है, वैसे तो जो अभी आया नहीं है। ये अंजू वर्मा, आरडी गर्ल्स इंटर कॉलेज। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने जो चलाया है एक मिशन, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं इसके द्वारा बना के, ताकि फ्यूचर में हमारी जो स्मार्ट सिटी है वो ऐसी हो। इसमें ये कि ट्रैफिक नहीं होगा और बहुत सारा पेड़ पौधे भी होंगे, जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो और बॉस हर जगह लाइटिंग वगैरह सब कुछ होगी। यस हाँ, इसके द्वारा हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यस, स्मार्ट सिटी जो उन्होंने मिशन चलाया उसको। पूजा अनुरागी और स्कूल का नाम आरडी गर्ल्स इंटर कॉलेज। और ये पेड़ पौधे वगैरह इसलिए लगाए क्योंकि इससे पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा और लाइट वगैरह फैसिलिटीज़ होंगी सारी अवेलेबल, मतलब स्मार्ट सिटी में अवेलेबल के लिए ये सारे, मतलब शॉप्स, सिटी हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह ये सब होंगे। मिस्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी का ऐसी होना चाहिए। हाँ, स्मार्ट सिटी जी। मेरा नाम सलोनी सोनी। सर, ये पॉलिटिकल मैप है। सर, इसमें जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा है, उसके बड़ा होने के बावजूद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, जिसे हम राज्य प्रदेश बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये दक्षिण से उत्तर तक 3200 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक 2900 किलोमीटर है। इसमें इसके जो शासन, जो उसका शासन है वो एक सरकार नहीं चला सकती, इसलिए सभी 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 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तरह तरह की सरकारें लागू है। जो भी सरकार है वो केंद्र सरकार, केंद्र शासित सरकार भी कुछ यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर केंद्र शासित सरकार राज करती हैं, और कुछ राज्य हैं वहाँ पर भी राज्य सरकार अलग से बनी हुई है, वो वहाँ पर राज करती है। इसमें 28 स्टेट्स है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। इस मौके पर इंटर कॉलेज के चेयरमैन प्रवीण शास्त्री ने भी बच्चों द्वारा बनाई गई मनमोहक प्रोजेक्ट की जानकारी दी। मेरा नाम प्रवीण कुमार शास्त्री है और आरडी गर्ल्स इंटर कॉलेज यमुना विहार कमला नगर। आज हमारे विद्यालय में विज्ञान और शिल्पकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, और उसमें जो विद्यालय के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने विज्ञान के कई प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गए मानव जीवन के लिए, जैसे एम्बुलेंस, फ्यूचर एम्बुलेंस है, स्मार्ट सिटी है ना, और पॉल्यूशन को कंट्रोल कर किस किस तरह से किया जाए, तो इस तरह के कई प्रोजेक्ट बच्चों ने तैयार किए हैं। और पुराने जो यूजलेस सामान होते हैं उनसे किस तरीके उनको हम यूटिलाइज करके कुछ अच्छी चीज़ सजाने के लिए, है ना, या घरों में उसके लिए सजावट के लिए चीज़ें तैयार होती हैं, तो बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। विद्यालय में, हमारे विद्यालय में एक्टिविटीज़ होती रहती हैं हर तरह की, स्पोर्ट्स से लेकर अपना ये जो आज जो आयोजन हुआ है साइंस जो एग्जीबिशन का, और हर तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिससे कि उसको अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करें उसका। आरडी कन्या इंटर कॉलेज के चेयरमैन प्रवीण शास्त्री ने बताया कि इस कॉलेज में इस तरह की प्रदर्शनी समय समय पर आयोजित की जाती है, जिससे बच्चों को मोटिवेट किया जा सके। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।